नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पूजा सक्सेना, मैं BHMS MD डॉक्टर हूँ। मैं गाज़ियाबाद में ज्ञानकंठ 4 में इंदिरापुरम में पिछले 10 सालों से प्रैक्टिस कर रही हूँ न्यू ENT क्लिनिक में। आज मैं एक न्यू टॉपिक के साथ आपके पास आई हूँ, मैं एलर्जिक राइनाइटिस, जो कि एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जिसमें कि पेशेंट यूजुअली ट्रीटमेंट लेते रहते हैं और उनको एंटीस्टामिन्स पे रहना पड़ता है। तो हमारे पास पेशेंट्स आके ये पूछते हैं कि होम्योपैथिक में इसका ट्रीटमेंट है या नहीं है, तो डेफिनेटली मैं कहना चाहूँगी कि हाँ, एलर्जीज़ के लिए होम्योपैथिक में बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। फर्स्ट एलर्जिक राइनाइटिस का ट्रीटमेंट बताने से पहले मैं आपको ब्रीफ में थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि एलर्जिक राइनाइटिस होता क्या है। जैसे कि नाम से ही आपको पता है कि दिस इज़ लाइक आईज एंड नोज़ का इन्फ्लेमेशन, एक तरीके का नेज़ल नोज़ के अराउंड का, तो जो कि किसी एलर्जन के एक्सपोज़र पे यूजुअली पेशेंट्स को होता है। एंड दिस इज़ लाइक एलर्जिक राइनाइटिस को हम हे फीवर भी कहते हैं कॉमन टर्म में, बिकॉज दिस इज़ अ टाइप 1 हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन। तो हाइपर सेंसिटिविटी क्या होती है, इट्स लाइक कि बहुत सारे लोग हैं जो उसी एनवायरनमेंट में, उस ही एलर्जन के बीच में या डस्ट पोल्यूशन के बीच में, बट कुछ लोगों को कुछ वो एलर्जन इफेक्ट करता है। दैट डिपेंड्स अपॉन इंडिविजुअल इम्यूनिटी, तो वो उसके अगेंस्ट जल्दी रिएक्ट करता है, दिस इज़ द थिंग। तो उसमें क्या होता है कि हे फीवर जो हम बोलते हैं उसमें ये है कि दिस इज़ बेसिकली कि जब कोई एलर्जन एक्सपोज़र हुआ, तो ये दो तरीके के होते हैं, यूजुअली सीजनल होता है या फिर परसिस्टेंट आपको एलर्जन एक्सपोज़र हुए जा रहा है तो क्रोनिक कहते हैं हम उसको। तो सीजनल में यूजुअली आप देखोगे जैसे पोलन सीजन आता है तो कुछ ट्रीज़ के स्क्रूज या उनसे भी आपको, जैसे पाइन ट्री का है उससे या पोलन से या फिर कुछ पर्टिकुलर वीड्स, इनसे ये ट्रिगर हो जाता है कई बार। तो एंड सेकेंडली जो क्रोनिक होता है दैट इज़ ड्यू टू डस्ट माइट्स, मोल्ड स्पोर्स एंड कुछ एनिमल डेंडर, इस तरीके के एनिमल हेयर्स, इस तरीके की चीज़ों से कोई भी जिसका एकदम से हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन ट्रिगर हो जाता है। अब ये हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन यूजुअली आप देखोगे इसमें बहुत सारे एसोसिएटेड फैक्टर होते हैं। इसमें यूजुअली ट्रायड होता है, जिसको हम एटोपिक ट्रायड भी बोलते हैं, जिसमें कि आपको एलर्जिक राइनाइटिस के साथ में एटोपिक डर्मेटाइटिस भी हो सकता है। और ये जो कंडीशन है एलर्जीज़ की, उस तरीके से तीन तरीके की चीज़ें हो सकती हैं जो कि हर पेशेंट को साथ में भी हो सकती है। वन इज़ एलर्जिक राइनाइटिस, सेकेंड इज़ एटोपिक डर्मेटाइटिस, थर्ड इज़ एस्थमा। एंड कुछ फूड एलर्जीज़ की वजह से कुछ कुछ पेशेंट में स्किन की और तरीके के एलर्जीज़ भी पाई जाती है, जैसे कि अर्टिकेरिया हो जाता है फूड इनटॉलरेंस वाला। तो इस तरीके की चीज़ें यूजुअली इसके साथ एसोसिएटेड होती हैं। अब इसके कुछ रिस्क फैक्टर होते हैं, जैसे कि रिस्क फैक्टर में यूजुअली मेल जेंडर रिलेटेड होता है और या कभी फैमिली हिस्ट्री, कुछ फैमिली हिस्ट्री में भी ये देखा गया है। प्लस थर्ड एक ये है कि जो अर्ली एक्सपोज़र इन फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ, सिगरेट स्मोकिंग का एक्सपोज़र होना, इस तरीके की चीज़, या बहुत हाई सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस हो, तो दीज आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग रिस्क फैक्टर्स। अब पॉसिबल इसमें कुछ चीज़ें होते हैं जो पॉजिटिव जो रिस्क फैक्टर्स को कम कर सकते हैं, जैसे कि अर्ली एक्सपोज़र फ्रॉम फार्म एनिमल्स, अर्ली लाइफ में पेट का होना एक्सपोज़र, ये सब चीज़ें होती हैं या जो कि प्रोटेक्ट करती हैं, ठीक है। तो उन लोगों में देखा गया है कि जल्दी ये हाइपर सेंसिटिविटी डेवलप नहीं होता। अब इस हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में होता क्या है वो मैं आपको बताना चाहूँगी कि फर्स्ट जो है, जैसे ही एलर्जन आपने आप उससे एक्सपोज हुए, तो विद इन 5 to 15 मिनट्स आपकी बॉडी में एक रिएक्शन डेवलप होता है, जो कि यूजुअली क्या है, आपकी बॉडी में IgE लेवल्स बढ़ जाएंगे। वो IgE लेवल फर्दर आपके हिस्टेमाइन रिलीज कराते हैं, जिससे कि आपकी कैपिलरीज में फ्लूड इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। फूड इंक्रीज की वजह से क्या है, बहुत और सिम्टम डेवलप होते हैं, जो लेटर ऑन तीन तरीके के सिम्टम ज़्यादा डेवलप करते हैं, जैसे लोकल कुछ इन्फ्लामेशन किया, फिर ट्राइजेमिनल नर्व को पैक करके वो हिस्टेमाइन्स, उसमें स्नीजिंग डेवलप कर सकते हैं वो आपको, बाकी म्यूकोजल ग्लैंड में जैसे कि आपकी सिक्रीशंस बढ़ा सकते हैं, ज़्यादातर यही सिम्टम पाए जाते हैं। और लेट रिएक्शन जो होता है दैट इज़ लाइक कि आपके और जो सेकेंड
आईजी लेवल से ल्यूकोट्रिन्स बढ़ जाते हैं, तब उसके बाद में आपको एक उसमें सेल इन्फिल्ट्रेशन होता है आपका नेजल कैविटी में, और उसकी वजह से आपको सिम्टम डेवलप होते हैं। इट मे टेक 4 to 6 hours फ्रॉम एलर्जन, जब आपका एक्सपोजर हुआ एलर्जन से उसके 4 to 6 hours के बीच में। अब ये जो अर्ली रिस्पॉन्स है दैट मे कैरी ऑन विद फ्यू, मतलब टिल फ्यू वीक्स ऑल्सो। अब जानते हैं कि इसके एलर्जिक राइनाइटिस के सिम्टम्स क्या आप फील करते हैं ज़्यादातर। तो सबसे पहला सिम्टम इसमें होता है कि राइनोरिया, पेशेंट को रनिंग नोज होगा, रनिंग नोज भी क्लियर डिस्चार्ज होगा उसमें, उसके साथ छींकें हो सकती हैं, प्रुराइटिस नोज हो सकती है, मतलब आपको नोज में जो है खुजली की सेंसेशन, इरिटेशन, ये सब चीज़ें डेवलप होती हैं। सेम इरिटेशन आपको आइज़ में भी हो सकती है, वाटरी आइज़ हो सकता है, एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस हो सकता है इसकी वजह से कि आइज स्वॉलन हो रही है, और इसमें क्योंकि नेजल मतलब जो हमारे मास्क सेल रिलीज होते हैं वो यूजुअली एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म बनाते हैं, तो वो आई एंड नोज़ के अराउंड ही रहते हैं जो प्रोटेक्ट करने के लिए, तो उसके एलर्जन के रिस्पॉन्स में वो यही चीज़ें इन्फ्लेमेशन होती हैं, आपको आइज़ की एंड नोज़ की इन्फ्लेमेशन ज़्यादा मिलेगी एकदम से, तो उसमें इची नोज़ एंड इची डिस्चार्ज, मतलब इची नोज़ प्लस डिस्चार्ज वाटरी, ये सब प्लस आपको इसके अलावा स्नीजिंग, क्योंकि ट्राइजेमिनल नर्व इफेक्ट होता है उस पर एक्ट करता है, तो छींकें आएंगी किसी भी डस्ट एक्सपोजर से, जैसे कई लोगों को एकदम से सुबह उठते बहुत सारी छींकें आना और रनिंग नोज़ हो जाना एकदम से, फिर नोज़ स्टफ हो जाना, तो ये सब एलर्जिक राइनाइटिस के ही सिम्टम होते हैं। जैसे कई लोग डस्ट में जा नहीं सकते या पर्टिकुलर कुछ स्प्रेज होते हैं उनकी वजह से उनका ट्रिगर हो जाता है एलर्जिक रिस्पॉन्स, तो दैट कम्स अंडर दिस ओनली। तो इसके अलावा बहुत परसिस्ट करते हैं जब ये सिम्टम काफ़ी टाइम तक, तो उसमें आपको एक PND सिम्टम मिलता है, पोस्ट नेजल ड्रिप, जैसे आपको गले में नाक से पीछे गले के अंदर एक रेशा सा फील होगा, जैसे कुछ अटका हुआ है, और आपको हमेशा उसको क्लियर करने की सेंसेशन रहेगी, तो इसलिए फिर लेटर ऑन नॉन प्रोडक्टिव कफ भी होता है उसमें, मतलब आपको खांसी आएगी बट क्लियर उसमें कोई डिस्चार्ज नहीं होगा, क्योंकि आपको थ्रोट क्लियरिंग का सिम्टम रहता है। और मतलब इसके अलावा ये क्रोनिक में आते हैं यूजली। जानते हैं कि इसका डायग्नोसिस कैसे होता है, तो डायग्नोसिस यूजुअली क्लिनिकल सिम्टम पे ही होता है एक्यूट में, तो और एक्यूट आपका जल्दी मतलब जो सिम्टम के बेस पे उसमें मेडिसिन दिया जाता है, जैसे एलोपैथिक में तो आपको एंटीस्टेमिन्स दिए जाते हैं, कुछ स्प्रेज दिए जाते हैं जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड स्प्रे होते हैं, या कुछ नेजल रिंजिंग के लिए दिया जाता है, तो इस तरीके का ट्रीटमेंट होता है। बाकी हम स्किन टेस्ट, एलर्जी टेस्ट भी करते हैं, सीरम, जो एक सीरोलॉजी IgE लेवल टेस्ट करते हैं यूजुअली वो पेशेंट के बड़े होते हैं, AEC चेक करते हैं, उससे पर्टिकुलर एलर्जन के लिए स्किन टेस्ट करते हैं, बट दैट मे डिपेंड अपॉन सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफिसिटी, क्योंकि कुछ कुछ पेशेंट को स्किन में जैसे इंजेक्ट किया जाता है एलर्जन, तो उसके बाद उनको स्किन पे व्हील आ जाता है बट उनको आइज नोज सिम्टम नहीं होते हैं, और कई को स्किन पे व्हील नहीं आता है बट आइज नोज सिम्टम होते हैं, तो दैट डिपेंड्स, ये इस तरीके से होता है। फिर इसके अलावा आप इसमें ट्रीटमेंट यूजुअली, मैंने आपको पहले ही बताया कि यूजुअली आपको लेने ही पड़ते हैं स्प्रेज वगैरह, जो कि आपकी इसको स्टीरॉइड स्प्रे भी होते हैं उसके अंदर, तो जो कि आपकी एलर्जीज़ को, आपके इम्यून सिस्टम को एलर्जी के अगेंस्ट रिस्पॉन्स जो इतना जल्दी करता है उसको सप्रेस करने के लिए होता है। ये वाले आपका रहा पार्ट जो है एलोपैथिक ट्रीटमेंट का। अब मेन आता है रोल की होम्योपैथी इसमें क्या करती है, तो होम्योपैथी एलर्जीज़ के लिए बहुत अच्छा काम करती है, बट मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि एक्यूट फेज़ में तो हम कुछ सिम्टम लेके स्पेसिफिक मेडिसिंस देते हैं जो उस सिम्टम को कवर कर रही होती है, बट क्रोनिक केस जैसे अगर रिकरेंट ही ये एलर्जिक राइनाइटिस रह रहा है, तो उसके लिए हमें फुल होम्योपैथिक केस चेकिंग प्रॉपर तरीके से लेके पेशेंट के सिम्टम के बेस पे ही दवा निकाल के हम देते हैं, उसके साथ कुछ एक्यूट फेज़ के लिए भी देते हैं। तो उसमें बहुत सारी दवाइयाँ होती हैं होम्योपैथिक में जो बहुत अच्छे से काम करती हैं, जैसे सैंग्यूनेरिया नाइट्रिका है, और आपको सैम्बिकस है अगर कंजेशन होता है तो, रस्टॉक्स है, आर्सनिक है, एंड एलियम सिपा है जो बेसिकली बहुत इन चीज़ों को, सबाडिला है, बहुत सारी दवाइयाँ ऐसी हैं जो बहुत अच्छे से असर करती हैं और उनकी कोई डिपेंडेंसी नहीं होती कि आपको जब तक ले रहे हैं तब तक ठीक है,
इसीलिए केस टेकिंग करके उसकी मेडिसिन दी जाती है ताकि आपकी वो रिकरेंट टेंडेंसी ब्रेक हो अगेंस्ट, मतलब जो एकदम से हाइपर सेंसिटिविटी डेवलप होती है और एकदम से बॉडी रिएक्ट करती है, वो आपकी फ्रीक्वेंसी सबसे पहले कम होती है, फिर आपका टाइम ड्यूरेशन कम हो जाता है। तो इसीलिए वो ट्रीटमेंट थोड़ा लॉन्ग करके दिया जाता है कि उसमें आपको इंटरमिटेंट डोजेस दी जाती है टू ब्रेक डाउन योर दिस टेंडेंसी। आशा करती हूँ आपको कुछ हेल्प हुई हो मेरे इस टॉपिक से।